कस्टम रोम की दुनिया में एकमात्र ऐसा रोम है जिसके अंदर आपको ब्यूटीफुल से नेक्स्ट लेवल के कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जिसका नाम आपको एंसेंट विया वो एडिशन देखने को मिल जाता है, जो कि अभी फिलहाल मैं मेरे पोको के X2 डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ, जिसे हम रेडमी का K30 डिवाइस भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी अमेजिंग से लुक देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन को एक ब्यूटीफुल सा लुक प्रोवाइड करना, तो ये रोम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। बट अगर आप जानना चाहते हो कि इसे रोम को यूज करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है और क्या चीज़ें जो वर्किंग नहीं है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम टेक ऑफिस से विजिट कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियोज आपको मिल सके और आप यहाँ पे फुल बेनिफिट ले सको हर एक अपडेट का पोको X2 से रिलेटेड। इस रोम की बात करें तो इसका जो आपको बिल्ड देखने को मिलता है वो है 4.0.1 एक फाइनल एडिशन है, जहां पे आपको 19 नवंबर का बिल्ड देखने को मिल जाता है। यहां पे फोनिक्स जो कि फ़ोन का कोड नेम है, यहां पे जिन्होंने मेंटेन किया है उनका नेम मिलता है, और एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये फिलहाल है जो रन कर रहा है। साथ साथ बाकी तो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जैपनीज लैंग्वेज देखने को मिलता है, ना कि चाइनीज। ओके, बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे सेटिंग का देखते हैं तो किस तरीके से एनिमेशन दिखाई देता है, मल्टी यूजर्स का अकाउंट जो कि ऑन ऑफ, 11 का रूल का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से काम करता है। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है सिक्योरिटी के अंदर पिन का, फिंगरप्रिंट का और ऐप लॉक का फीचर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैंने लॉक कर रखा है DRM इन्फो को, तो जब भी यहाँ पे मैं ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, पिन का है, और फेस अनलॉक अगर सपोर्ट करेगा तो उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कस्टम रोम के अंदर। तो मैं जैसे अपना फिंगर अटैच करूँगा, यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। तो ये जो लॉक की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ये आपको सिस्टम का डिफॉल्ट मिलता है, ना कि लॉन्चर के डिफॉल्ट, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर है। बट एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे फेस अनलॉक, अगर फेस अनलॉक होता तो हमारे ऐप लॉक के ऊपर ये काम करता, लेकिन यहाँ पे DRM में आपको 11 का सपोर्ट मिलता है, यानी आप अमेजन प्राइम नेटफ्लिक वगैरह है जो यूज कर पाओगे, दिक्कत और परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे साउंड का ऑप्शन, जहाँ पे इस तरीके से एनिमेटेड देखने को मिलता है, और ये सारे स्केल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेडियंट कलर में है, जो कि पहले से बाई डिफॉल्ट सिंगल कलर होता है, बट आप इसे चाहो तो मल्टी कलर में चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बैक की ओर आते हैं यहाँ पे नीचे एडवांस के ऑप्शन पे, तो वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, और ड्रिक साउंड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे इनेबल HIFI मिलता है, और डिफॉल्ट आपको म्यूजिक इक्वाइजर वगैरह देखने को मिलता है, जो कि MIUI का है, सेम टू सेम प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले के अंदर आपको नाइट मोड मिल जाता है, जो कि प्रॉपर काम करता है, और जो नाइट मोड के अंदर आप जो बैकग्राउंड देख रहे हो ईयरली लिस्ट, इसे आप चेंज कर सकते हो। तो कई सारे डार्क मोड के मोड प्रोवाइड किए गए, जो कि आप बदलाव ला सकते हो और यूज कर सकते हो। साथ साथ नॉच हाइट का ऑप्शन दिया गया है, बट हमारा नॉच नहीं, हमारा पंच होल है, तो ये सेटिंग हमारे किसी काम का नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो आपको मिल जाता है टैप टू वेकअप, और डिवाइस का एक्स्ट्रा सेटिंग मिलता है, जहाँ पे आप ये जो एस्केप ऑप्शन को अलग अलग कैमरे में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफ करके रीस्टार्ट करोगे, आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, जो कि 60, 90 और 120 का दिया गया है, और आप अपने मर्जी के अनुसार यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉच स्टाइल है ऑप्शन पिल का, ये सम टाइम में जो प्रॉपर काम नहीं करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक है जो ये हट जाता है, ऑटोमेटिक है जो लग जाता है, तो ये छोटी सी मुझे कमी देखने को मिली है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला पॉपअप के लिए स्टार्ट के बाद काम करेगा, बट ये कुछ देर बाद ऑटो इनेबल हो जाता है। यहाँ पे ऑनली ऑन आपको पिकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बैटरी की डिटेल मुझे ठीक ठाक लगी है, जितना भी मैंने यूज किया है उसके हिसाब से, और इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल सा लोगो दिखाई देता है। स्टेटस बार में आपको ऑप्शन मिल जाता है वोल्टी को कस्टमाइज करने का, जहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन दिए गए 3-4, जिसमें से जो भी आपको वोल्टी पसंद है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ ही स्मॉल आइकन मिलता है, क्लॉक की सेटिंग्स आपको मिल जाती है, यहाँ पे वेदर का आपको प्लेसमेंट, किस जगह का वेदर होना चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो, बैटरी के स्टाइल्स देखने को मिलता है, और नेटवर्क ट्रैफिक और डबल टैप पे स्लीप। इसके अलावा आपको मिलता है यूजर इंटरफेस, जो कि एक ब्यूटीफुल सा पार्ट है इस कस्टम रोम का, जहाँ पे आप तो थीम चेंज कर सकते हो, जो कि हर एक एंड्रॉयड 10 और 11 में देखने को मिलता है। ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ नए क्लॉक प्रोवाइड किए गए, जो कि कुछ एनिमेटेड है, कुछ इस टाइप से आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे अप्लाई करते हो, लॉक करोगे और यहाँ पर हल्का सा टैप करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे जो राउंड राउंड एनिमेशन देखने को मिल रहा है, और जो एज लाइटनिंग है वो भी काम करती है जब कोई नोटिफिकेशन रिसीव होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको हीटर पे इमेज मिल जाते हैं, जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप का, और आप देखोगे कि जो टाइमिंग है उसके पहले पीछे की ओर एक एनिमेशन सा आपको जो एरो दिखाई दे रहा है, जो कि अलग अलग टाइप से आप चेंज कर सकते हो।
इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे कलर पिकर, जो कि आप खुद से कलर को चेंज करके मल्टी कलर है जो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बस अगर आप ऑड कलर पिक कर लेते हो तो भाई आपको जो ख़राब फील आएगा, लेकिन आप अच्छे से कलर पिक करोगे तो काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी, काफ़ी अच्छा अच्छा आपको लुक देखने को मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर। इसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे प्राइमरी कलर, जो कि मैंने आपको बताया था कि डार्क में काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल कर लेते हैं अपने स्टेटस बार की ओर से, चलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तो आप देखोगे जो बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट था, अब ये चेंज हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो आपको फिर से डार्क मोड जो है चेंज देखने को मिलेगा। तो आप अपने मर्जी के अनुसार यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है जो पिक कर सकते हो, ताकि आपको एक ब्यूटीफुल सा डार्क का लेआउट देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आप डार्क में बदलाव ला सकते हो। फिर से हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल व्हाइट मोड के ऊपर, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे फॉन्ट, जहाँ पे कई सारे फॉन्ट दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है आइकन का शेप, जहाँ पे कई सारे आइकन शेप दिए गए हैं जो कि आप बदल सकते हो। जैसे अगर मैं सैमसंग का डालता हूँ तो यहाँ पे आपको सैमसंग का शेप देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे चेंज नहीं है। लेकिन मैं होम पे आऊँगा तो आप देखो सारे आइकन के जो शेप है ये चेंज हो चुके हैं। अगर मैं फिर से यहाँ पे बदलूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं कप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सारे कप जैसे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप आइकन के शेप में बदलाव ला सकते हो। स्टेटस बार का जो आइकन है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है हर चीज़ का, डार्क का, यहाँ पे आपको जो ऑटो का और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों का। तो यहाँ से आप जो बदलाव ला सकते हो जैसे भी आपको लुक चाहिए स्टेटस बार का। तो अजीब से और काफ़ी इंटरेस्टिंग से लुक प्रोवाइड किए गए हैं। आप देख सकते हो रोटेशन चेंज हो चुका है, डार्क मोड चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो बैटरी वाईफाई वोल्टी का आइकन है इनमें भी बदलाव देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। फिर से यहाँ पे चेंज हो चुका है, फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे हल्का सा चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको मिलता है नेम बार का आइकन, जो कि नीचे का है। इसके अलावा आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फिर से आपको एनिमेशन दिखाई देता है, और स्विच करने का ऑप्शन नैरो होगा, या फिर आपको है जो बाकी अदर हो या फिर वन प्लस हो उस तरीके से आप स्विच कर सकते हो। क्यूएस टाइटल स्टाइल कैसा होना चाहिए, इंक जैसा होना चाहिए या OOS जैसा होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लुक में जो चेंज आ चुका है। उसके बाद क्लॉक फॉर्मेट, जो कि आप देखोगे कि अभी इस टाइप से क्लॉक है, अगर मैं कोई अदर पिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपके क्लॉक का जो फॉर्मेट है वो बदल गया है, साइड में आ चुका है। अगेन यहाँ पे अलग क्लॉक मिलते हैं, तो फिर से अगर आप चेंज करते हैं तो फिर से आपको नया लुक देखने को मिल जाएगा क्लॉक का, और क्लॉक के बैकग्राउंड में आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। तो कई सारे क्लॉक के फॉर्मेट है जो कि आपको पसंद आता है वो आप पिक कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे एनालॉग वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, मर्ज बैकग्राउंड स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे सेटिंग का जो स्टाइल है वो भी आप बदल सकते हो। कई सारे ऑप्शन हैं, जहाँ पे आप देखोगे बैकग्राउंड में हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। ड्यूल रोल अगर आप इनेबल करना चाहते हो नोटिफिकेशन एरिया के लिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये जो टाइमिंग का जो एरिया है इसका हाइट कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। साथ साथ आपको मिलता है बैकग्राउंड कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बाकी आपको ब्लर का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैं अगर बैक पे आऊँगा तो आप देखो यहाँ पे वाइट से अब थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। अरे काफ़ी ज़्यादा राउंड था तो अब हल्का सा चेंज आ चुका है इसके शेप के। मैंने आपको कहा कि कस्टम रोम में सबसे बेस्ट है ब्यूटीफुल से कस्टमाइजेशन को प्रोवाइड करने वाला ये रोम, तो सारा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस में देखने को मिलता है। इसके बाद आपको एम्बियंट के वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, डबल टैप से, बैटरी लेवल, पॉकेट और लेफ्ट चेक वगैरह। और क्विक सेटिंग के अंदर आपको वही आपको टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट क्विक पुल डाउन वगैरह का, रो एंड कॉलम मेंटेन करने का ऑप्शन, और यहाँ पे डिस्को, रैंडम और बाकी कीवेस वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है डेटा यूजेज मंथली का, डेली का या डिसेबल, सिस्टम इंडिकेटर आपको मिलता है, जहाँ पे CPU या GPU आप रख सकते हो, ब्राइटनेस हमेशा स्लाइड होगा, शो होगा या नहीं वो आप कंट्रोल कर पाओगे, बटन से रिलेटेड डबल टैप आपको मिल जाता है, बाकी आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्विच ऑडियो पैनल दिखाई देता है, और साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है पावर मेनू, जहाँ पे एडवांस बूट मेनू वगैरह इनेबल कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है डैशबोर्ड का जो बैकग्राउंड वगैरह है वो चेंज कर सकते हो, रैंडम आइकन वगैरह होना चाहिए वो तरीके का। गेमिंग मोड भी मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो गेम वाला बंदा बैठा हुआ है हाथ में रिमोट लेके, तो ये भी लुक काफ़ी अच्छा है, और गेमिंग मोड का बेनिफिट ले सकते हो गेमिंग करने के लिए। साथ साथ वेकअप ऑन चार्जिंग टोस है, सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको पॉकेट मोड है, और पिक्सल का ऑप्शन मिलता है जो कि स्मार्ट पिक्सल, जो कि बैटरी सेविंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये भी आपको मिल जाता है जो कि बैटरी सेविंग में हेल्प प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम रॉकर्स है इसमें आप चाहो तो चेंज ला सकते हो। तो अगर मैं ऑडियो का पिक करता हूँ तो आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाएगा,
अगर मैं फिर से यहाँ पे नीचे को करता हूँ कॉम्पैक्ट के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आपको लाइनिंग मिलता है, जिस पर टैप करने के बाद आपके वॉल्यूम सारे आपके सामने आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी जो MIUI का है, आप MIUI टाइप रख सकते हो, तो जो भी आपको पसंद आता है वो वॉल्यूम आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन सा है। बाकी यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलार्म ब्लॉकर और बाकी अदर ऑप्शन भी मिलते हैं। नोटिफिकेशन में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे किल बटन का होना, फोर्स का, नोटिफिकेशन काउंटर, वाइब्रेट होना, रिप्लेस, बैटरी फुल, हाइड स्मार्ट रिप्लाई, हैंड्स अप वगैरह आपको मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन ट्रैकर और एनिमेशन और एज लाइटिंग भी आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आप एज लाइटिंग में भी अच्छा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग और कॉल वेटिंग पर भी आपको वाइब्रेट मिल जाएगा। साथ साथ जेस्चर में आपको मिलता है सिस्टम का जेस्चर वगैरह, एडेप्टिव प्लेबैक वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये वनीला वर्जन है, जिसमें आपको GF अलग से फ्लैश करना पड़ेगा, और साथ साथ यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड फीचर्स मिल जाता है, जो कि बहुत सारे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे यूज कर पाओगे। रही बात इसे कैसे फ्लैश करना है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आपको मिलने वाला है कि आप एक कस्टम से दूसरे कस्टम पे विदाउट किसी बूट लूप या रीस्टार्ट TWRP के स्विच कैसे कर सकते हो, तो उस वीडियो का वेट जरूर करना। और इस रूम में आपको मिलता है MIUI का कैमरा, जी हाँ MIUI का कैमरा प्रोवाइड किया गया है, तो आप फुल बेनिफिट ले पाओगे MIUI के कैमरे का। लेकिन यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है ये आपको MIUI 12 का नहीं MIUI 11 का देखने को मिलता है, जो शायद नेक्स्ट अपडेट में MIUI 12 का आपको कैमरा प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे यूजर इंटरफेस आपको ओल्ड ही नज़र आता है, तो इसे अपडेट होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे मैंने इसे इजीली रूट किया है, रूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है, वो है इसके नेट सेफ्टी का। तो यहाँ पे नेट सेफ्टी मुझे पास नहीं मिला है, मैंने कोशिश की बट ये फेल ही रहता है, तो आपको बैंकिंग के ऐप को यूज करने में प्रॉब्लम आने वाला है अगर आप इसे यूज करते हो तो। इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पे है वो अच्छे तरीके से काम करता है और परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिला है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये आपको पसंद आया या नहीं। और यहाँ पे AnTuTu का स्कोर 264641 का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैमरा का जो पंच होल का जो पिल्स है वो फिर से जो मर्ज हो चुका है, जिसे मैंने अलग किया था। तो इस तरीके से आप इस रोम को काफ़ी अच्छे लुक में कस्टमाइज कर सकते हो और ब्यूटीफुल से UI में चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता है, जहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल साउंड को आप रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और आप फुल बेनिफिट ले सकते हो जो भी आप लेना चाहते हो। और यहाँ पे इसे ऑन करने के बाद कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये रोम भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोज आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।